सब्सक्राइब कीजिए नईम टेक्निकल टीवी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम शहजाद और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट का पीसीबी बोर्ड जो है वो निकालने का, यानी कि उसको अगर आपने रिपेयर करवाना हो या उसमें आपने कोई फॉल्ट ट्रेस आउट करवाना हो तो उसको आप किस तरीके से अपने यूनिट से इलादा करेंगे, किस तरीके से इसको खोलेंगे, वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल के साथ। दोस्तों, मेरे पास ये कैनवुड का फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है, ठीक है। तो इसका हमने 2 टन का ये एसी है, इसका हम पीसीबी बोर्ड जो है वो खोलेंगे, निकालेंगे इसका पीसीबी बोर्ड, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। दोस्तों, ये है कैनवुड का फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट, ठीक है, और 24,000 BTU हैं, यानी कि कंफर्म 2 टन का ये एसी है फ्लोर स्टैंडिंग, ठीक है जी। R22 का ये यूनिट है, ठीक है, और इसका हम पीसीबी बोर्ड निकालेंगे, खोलने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे लगे होते हैं दोस्तों स्क्रू राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे, एक एक, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं, आपको दिखाने के लिए मैं अभी शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के आप उसका कवर खोल लेंगे साइड का, यहाँ पे आपको पीसीबी बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक कवर होता है, ठीक है। दोस्तों, ये ऊपर होता है इसका डिस्प्ले पैनल, यानी कि जहाँ पे इसका टेम्परेचर और मोड वोड के साइंस वगैरह शो होते हैं, और यहाँ पे इसके होते हैं ये स्विंग करने वाले फ्लैपर्स, जो कि यहाँ से राइट एंड लेफ्ट जो अंदर वाले हैं वो वेव करते हैं, और जो ये फ्रंट वाले हैं जो आपको ये सिल्वर कलर के दिख रहे हैं, ये अप एंड डाउन मतलब वेव करते हैं। तो यहाँ पर होती हैं 2 स्विंग मोटर, तो इनकी वायरें भी इसी डिस्प्ले के साथ होते हुए नीचे यहाँ से पास हो रही होती हैं, जैसे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से 4-5 वायर आ रही होती हैं, ठीक है, जो कि 2 स्विंग मोटर की होती हैं, एक कॉइल सेंसर की होती है, एक डिस्प्ले की होती है, ठीक है। तो ये वायर वगैरह पीसीबी बोर्ड में इसके जैक अटैच होते हैं। तो पीसीबी बोर्ड को रिमूव करने के लिए दोस्तों हमें इन तमाम वायर्स के जैक्स को सेफली तरीके से इसको मतलब डिस्कनेक्ट करना होता है। डिस्कनेक्ट से मुराद यानी कि जैक्स को अपनी उसमें से निकालना होता है, ठीक है, जहाँ पे ये एडजस्ट हुए होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके 1 by 1 करके ये जैक्स को रिमूव कर लेंगे जो क्लिप से बने होते हैं। अब ये समझ लें कि स्विंग मोटर के जैक हो गए, इनको भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉइल सेंसर का जैक है वो भी निकाल लेंगे, डिस्प्ले का अपना जो जैक है वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले वाला पैनल है वो टोटल सेपरेट हो जाएगा, यानी उसका पीसीबी बोर्ड से मतलब आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप ऊपर डिस्प्ले पैनल से आने वाले तमाम जैक्स को जेंटली तौर पे निकाल लें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पैनल के तमाम वायर यानी कि फ्री हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये नीचे जो ब्लोअर है, फैन मोटर, उसके जो जैक्स हैं वो भी हमने पीसीबी बोर्ड से इलादा करने हैं। तो यहाँ पे एक ये मोटर का जैक लगा होता है, ठीक है, इसको भी आपने निकाल लेना है। इसके अलावा दोस्तों ये इसका फ़ैन मोटर का कैपेसिटर है, इसको भी आपने स्क्रू खोल के इलादा कर देना है, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब दोस्तों पीसीबी बोर्ड के होते हैं यहाँ पे 4 स्क्रू, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये भी आपने खोल लेने। तो पहले नीचे वाला स्क्रू खोल लेता हूँ मैं। तो नीचे के दोस्तों दोनों स्क्रू खुल चुके हैं, अब ऊपर वालों की बारी आ गई है। लास्ट स्क्रू बच गया दोस्तों, इसको भी मैं खोल लेता हूं, ठीक है। ये खोलने के बाद दोस्तों हमारा पीसीबी बोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है और मेरे हाथ में आ चुका है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट का पीसीबी बोर्ड इजीली अपना इलादा कर सकते हैं। अब इसमें जो भी
मतलब फॉल्ट है वो आप अपने सर पीसीबी बोर्ड जो रिपेयर करने वाले होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, और अगर आपको ख़ुद को भी किसी हद तक नॉलेज है तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने यूनिट से पीसीबी बोर्ड को, फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट से पीसीबी बोर्ड को ईजीली खोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक नईम टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब नहीं कर किया तो इसको भी फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहा करें। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम शहज़ाद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।